दोस्तों, बरसात के बाद पहाड़ की खूबसूरती जो निखर करके आती है उसकी कुछ अलग ही बात होती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आज का हुआ है, जो बादल लगे हुए हैं और दूर दूर तक बहुत ही खूबसूरत यह नज़ारा लग रहा है। और ये खूबसूरत नज़ारा आप हमेशा अपने जहन में रखें, याद रखेंगे कि पहाड़ जो है कितने खूबसूरत होते हैं, बरसात के बाद तो और भी ज्यादा निखर जाते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह का नजारा इतना खुशनुमा था कि बस मन जो है आनंदित हो गया। और जो बादल लगे हुए थे आसमान में इतने खूबसूरत वो लग रहे थे और लग रहे हैं अभी, बहुत ही शानदार नज़ारा लग रहा है। तो मैंने कुछ थॉट्स आपके लिए हैं जो आपको बहुत ही आनंदित करेंगे। तो दोस्तों, आप एक लुत्फ उठाइए खूबसूरत नज़ारों का, और बादल और पहाड़ बरसात के बाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंद देने वाले। और ये बह रहा है पहाड़ों में साफ स्वच्छ निर्मल जल, बहुत ही सुकून देने वाले क्षण हैं दोस्तों। ये आवाज़ जो ये साउंड है ये आपको आनंदित कर देती है। और ऊपर से ये खूबसूरत बादल एक अलग ही जो है
आनंद की ओर आपको ले जाते हैं। तो दोस्तों, इन बादलों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये जो है अपने आप बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि इनको आपके लिए ही जो है डिजाइन किया गया है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे जो है आपको दिखाई देंगे और आपका मन जो है आत्मविभोर हो जाएगा। ये देखिए कितने शानदार जो है ये नज़ारा आपको लग रहा होगा इस वक्त। और क्या सुकून इसको देख करके मिल रहा है सुबह सुबह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और इसकी आवाज़ सुनिए आप, और उधर हमारे जो है कृपाल भाई आ रहे हैं नदी को तैरते हुए, लेकिन इधर नीचे की तरफ को उनको ज़्यादा लग रहा होगा, तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ को जा रहे हैं ताकि पानी जो है कम आए। मैं और आपको उसके करीब लेकर के चलता हूँ, उनको देखो कहाँ तक जाना पड़ रहा है उसके लिए। दोस्तों, ऐसे खूबसूरत नज़ारे देख करके ऐसा लग रहा है कि एक आप अलग ही लोक में जो है आ गए हैं। दोस्तों, इंसान ही नहीं जो है जानवर भी जो है इस मौसम का जो है आनंद उठा रहे हैं, इस पल का आनंद उठा रहे हैं। ऐसा खूबसूरत नज़ारा है आज का। डबुआ घुस गया है वहाँ, और इधर जो है नौवा भी झाड़ियों में घुस गई है और लोगन सिर्फ देख रहा है कि क्या जो है मिलता है उनको। और जैसे ही कुछ मिलेगा तो वो भी आएगा भाग करके। कुछ भी नहीं मिला। Mm-hmm.